तो फ्रेंड क्या आपके भी YT स्टूडियो में कुछ इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है? तो फ्रेंड आज की इस वीडियो में मैं इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। तो फ्रेंड सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। तो देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है योर ग्रीटिंग क्रिएटर नोटिफिकेशन इन टू प्लेस, यानी कि फ्रेंड आपका यूट्यूब चैनल का जो नोटिफिकेशन है यहाँ पर दो जगह पर आ रहा है, यानी कि एक यूट्यूब चैनल पर आ रहा है और एक यहाँ पर YT स्टूडियो में आ रहा है। तो यहाँ से आपको बोला जा रहा है कि यहाँ से आप एक जगह का नोटिफिकेशन को बंद कर ले, तभी फ्रेंड आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो फ्रेंड इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या है? तो फ्रेंड यहाँ पे देख रहे हैं लिखा हुआ है टर्न ऑफ। अगर आप यहाँ पे टर्न ऑफ के ऊपर क्लिक कीजिएगा, यानी कि फ्रेंड यहाँ से नोटिफिकेशन बंद हो जाएगा। अगर फ्रेंड इस तरह से भी आपका नहीं हो रहा है तो अब आपको करना क्या है? सबसे पहले फ्रेंड आपको यहाँ से बैक हो जाना है। अब फ्रेंड आपको यहाँ पे अपना यूट्यूब चैनल को ओपन करना है। और फ्रेंड यहाँ पे यूट्यूब चैनल को ओपन कर लेने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे देख रहे हैं कोने में आपका यूट्यूब चैनल का लोगो होगा, आपको सिंपली इस लोगो के ऊपर क्लिक कर देनी है। जैसे ही लोगो के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो फ्रेंड आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। अब फ्रेंड आपको करना क्या है, यहाँ पे देख रहे हैं लिखा हुआ है सेटिंग, आपको सिंपली सेटिंग्स के ऊपर क्लिक कर देनी है। जैसे ही सेटिंग्स के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। अब फ्रेंड आपको करना क्या है, यहाँ पे ढूंढ लेना है नोटिफिकेशन। देख रहे हैं फ्रेंड यहाँ पे लिखा हुआ है नोटिफिकेशन, आपको सिंपली नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। अब फ्रेंड आपको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे देख रहे हैं लिखा हुआ है एक्टिविटी ऑन माई चैनल, अगर फ्रेंड आपका यहाँ पे ऑन होगा तो इसको ऑफ कर लेना है। देख रहे फ्रेंड अभी मैंने वहाँ पे YT स्टूडियो में ऑफ किया था तो यहाँ पे ये ऑफ हो चुका है। अगर फ्रेंड आपका यहाँ पे ऑफ नहीं होगा, ऑन होगा, तो फ्रेंड आपको यहाँ पे इसको ऑफ कर लेना है। तो फ्रेंड इस तरह से जो आपका प्रॉब्लम होगा यहाँ पे हट जाएगा। तो फ्रेंड मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। तो फ्रेंड आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और फ्रेंड वीडियो आपको कैसा लगा कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट जरूर करें। और फ्रेंड वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।